तो दोस्तों आप लोगों में से काफी सारे लोगों ने कमेंट किया कि किसी भी वीडियो को किसी भी लैंग्वेज में कैसे ट्रांसलेट करें। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग चाइनीज वीडियो को हिंदी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहते हो तो उसके लिए मैंने आपको काफी सारी वेबसाइट और ऐप के बारे में बता दिया था। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर आपको वंडर शेयर वर्गो के बारे में बताया था, 11lab के बारे में बताया था, कैप्शन AI के बारे में बताया था, बट काफी लोग कमेंट कर रहे हैं कि 11lab काम नहीं कर रहा है, वहाँ पर आपको एरर देखने के लिए मिल रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर मैं आपके लिए एक ट्रिक लाया हूँ जिसकी मदद से आप लोग वंडर शेयर वर्गो को बिल्कुल फ्री में यूज कर सकते हो। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि कैसे आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, कैसे यूज करना है, सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों अब मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप लोग चाइनीज वीडियो को हिंदी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हो, यहाँ तक कि आप लोग किसी भी वीडियो को ट्रांसलेट कर सकते हो। जस्ट मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले वर्गो एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ, और दोस्तों इस एप्लीकेशन को मैंने प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है। सबसे पहले यहाँ पर आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना है, डाउनलोड करने का लिंक मैं आपको दे दूंगा, बस आपको प्रॉपरली वॉच करना है। पहले आप लोग देख लीजिए कैसे ट्रांसलेशन करना है, इसके बाद आप लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इस एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। यहाँ पर आपको जाना है AI वीडियो ट्रांसलेटर, ठीक है, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। और जैसे आप लोग इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको अपलोड वीडियो पे क्लिक करना है। और यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं इस वाली वीडियो को अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पर आपकी वीडियो अपलोड हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको ओरिजिनल लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेना है। तो मेरी वीडियो चाइनीज लैंग्वेज में है तो मैंने यहाँ पर चाइनीज सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर आपको टारगेट लैंग्वेज में उस लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है जिस लैंग्वेज में आप लोग वीडियो को ट्रांसलेट करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर हिंदी सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको एडवांस सेटिंग मिलेगा, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आप लोग सबटाइटल ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से आप लोग सबटाइटल को ऑन कर सकते हो, मैं यहाँ पर सबटाइटल ऐड नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको ट्रांसलेट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है, इसके बाद आपकी वीडियो ट्रांसलेट हो जाएगी। जैसी वीडियो ट्रांसलेट हो जाएगी आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। आप लोग चाहो तो इस एप्लीकेशन को कट करके आप लोग दूसरा काम भी कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मुझे यहाँ पर नोटिफिकेशन भी आ चुका है। जैसे आप लोग नोटिफिकेशन पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारी वीडियो यहाँ पर ट्रांसलेट हो चुकी है। चलिए अब मैं आपको लाइव प्रूफ प्ले करके दिखा देता हूँ। क्या तुम आए हो प्यारे बच्चे? सभी बोल रहे हैं कि मैं छोटे सिर वाला पिग हूँ, कोई भी मेरे पास नहीं आता, मुझे दुख होता है। गुजरते भाई और बहनों, क्या तुम्हें मैं असुंदर लगता हूँ? तो दोस्तों देखा आपने कि किस तरीके से मैंने इस चाइनीज वीडियो को हिंदी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया है। अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा प्रॉपरली साउंड नहीं आ रहा है, बिकॉज ये वीडियो ऐसा ही था इसलिए यहाँ पर ट्रांसलेट वैसा ही हुआ है। अगर आप लोग यहाँ पर वीडियो को अच्छे से अपलोड करोगे, मतलब यहाँ पर आप लोग अच्छी वीडियो को अपलोड करोगे, तो आपकी वीडियो प्रॉपरली ट्रांसलेट होगी। मैं आपको ओरिजिनल वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपने सुना ओरिजिनल वीडियो भी काफी ज्यादा फास्ट में थी, इसलिए जो आपने ट्रांसलेशन किया है वो भी काफी ज्यादा फास्ट में हो चुकी है। मतलब आप लोग जैसा वीडियो अपलोड करोगे उसी हिसाब से यहाँ पर आपका ट्रांसलेशन हो जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने दो वीडियो ट्रांसलेट किया, यहाँ पर आप लोग कितनी वीडियो को ट्रांसलेट कर सकते हो? तो अभी मैं आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप लोग लगभग 2 मिनट तक की वीडियो को ट्रांसलेट कर सकते हो। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पर 0.5 मिनट का वीडियो ट्रांसलेट कर दिया है। अगर आपकी वीडियो 2 मिनट से ज्यादा लंबी है तब आपको क्या करना है, पहले आपको अपनी वीडियो को 2 मिनट तक ट्रिम कर लेना है, उसे आपको ट्रांसलेट कर लेना है, फिर यहाँ पर आपको 2 मिनट तक की वीडियो को ट्रिम करना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं लॉग आउट करने से पहले इस वीडियो को डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको सेव टू एल्बम में क्लिक करना है, और जैसे यहाँ पर आप लोग सेव टू गैलरी में क्लिक करोगे आपकी जो वीडियो है वो गैलरी में सेव हो जाएगी। तो दोस्तों देखा आपने यहाँ पर कितनी इजी तरीके से हमने वीडियो को ट्रांसलेट भी कर दिया और उसे हमने यहाँ पर डाउनलोड भी कर लिया, वो भी बिना किसी वाटरमार्क के। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग इस एप्लीकेशन को फ्री में कैसे यूज करोगे। इसके बाद यहाँ पर आपको यूजर पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको लॉग आउट पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। और जैसे आप लोग यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करोगे, देन यहाँ पर आपको गूगल पे सर्च करना है टेम्प मेल जनरेटर, देन यहाँ पर आपको इस वाले लिंक पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप लोग इस लिंक पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपके सामने एक न्यू ईमेल आईडी आ जाएगा। मतलब यहाँ पर आपको ईमेल आईडी क्रिएट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जस्ट आपको इस ईमेल आईडी को कॉपी करना है, और कॉपी करने बाद यहाँ पर आपको वंडर शेयर वर्गो एप्लीकेशन को ओपन करना है। यहाँ पर आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पर आपने जो भी ईमेल आईडी कॉपी किया था यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। देन यहाँ पर आपको एक पासवर्ड सेट कर लेना है, तो यहाँ पर मैं पासवर्ड सेट कर लेता हूँ। देन यहाँ पर आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर लेना है, एंड यहाँ पर आप लोग जैसे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हो आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर आपको लेट्स स्टार्ट पे क्लिक करना है, एंड जैसे आप लोग यहाँ पर लेट्स स्टार्ट पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ मैंने सेम उसी ईमेल आईडी का यूज किया है। यहाँ पर आपको मी में जाना है, यहाँ पर आपको यूजर पे क्लिक करना है, और आप लोग देख सकते हो मैंने सेम उसी ईमेल आईडी का यूज किया है जो मैंने इस वेबसाइट से कॉपी किया था। यहाँ पर आप लोग मैच कर सकते हो, आप लोग खुद
देख सकते हो यही सेम ईमेल आईडी है जो कि मैंने इस एप्लीकेशन में यूज किया है। मतलब यहाँ पर आपको हजारों जीमेल अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। जस्ट यहाँ पर आपको इस वेबसाइट पे जाना है और यहाँ से आपको नीचे स्क्रॉल करना है और जैसे आप लोग यहाँ पर डिलीट पे प्रेस करेंगे आपको एक न्यू ईमेल आईडी मिल जाएगा। आप लोग खुद देखना है यहाँ पर आपके सामने एनसी, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आपके सामने एक न्यू ईमेल आईडी क्रिएट हो चुका है। अब आप लोग इसी ईमेल आईडी का यूज करके इस एप्लीकेशन पे साइन अप कर सकते हो और जैसे आप लोग साइन अप करोगे यहाँ पर आपके सामने 2 मिनट का क्रेडिट वापस से आ जाएगा। मतलब इस तरीके से आप लोग इस एप्लीकेशन को बिल्कुल फ्री में यूज कर सकते हो। यहाँ पर मैंने आपको इस एप्लीकेशन को यूज करके भी दिखा दिया, आपके सामने मैंने लाइव प्रूफ ट्रांसलेशन किया है। यहाँ पर आप लोग जितने चाहे उतनी वीडियो को ट्रांसलेट कर सकते हो बट एक बार में आप लोग सिर्फ 2 ही मिनट तक की वीडियो को ट्रांसलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर बस ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है बट आपको मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि फ्री वेबसाइट तो आपको बिल्कुल भी कहीं नहीं मिल रही है। मैंने यहाँ पर बहुत सारी रिसर्च की कोई वेबसाइट फ्री मिल जाए, कोई एप्लीकेशन फ्री मिल जाए बट मिलता ही नहीं है। बट वर्गो एप्लीकेशन काफी अच्छा है, ट्रांसलेशन भी काफी अच्छे से होता है। बस यहाँ पर आपको टेम्पररी ईमेल आईडी का यूज करना है और आप लोग इस एप्लीकेशन को लाइफ टाइम के लिए बिल्कुल फ्री में यूज कर सकते हो। तो दोस्तों अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कैसे करना है। अगर आप लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको पुराना वाला वंडर शेयर डिलीट कर देना है। अगर आपके फोन में ऑलरेडी वंडर शेयर वर्गो है तो पहले आप लोग उस एप्लीकेशन को डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने के बाद आपको जाना है मेरे टेलीग्राम ग्रुप में एंड जैसे आप लोग यहाँ पर मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जाएंगे इस ऐप का लिंक मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर दिया है जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर आप लोग क्लिक करके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ पर आप लोग जितनी वीडियो को ट्रांसलेट करना चाहो कर सकते हो। और दोस्तों अगर मुझे इन फ्यूचर इससे भी अच्छी एप्लीकेशन या वेबसाइट मिलती है तो आपके सामने मैं शेयर कर दूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया है। अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोग मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन से जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन करोगे तो वो लिंक काम नहीं करता है। अगर आपको डाउनलोड करते समय कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो या फिर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर भी आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, मैसेज का रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने काफी सारा कमेंट किया था तो मैंने सोचा क्यों ना आपको इस एप्लीकेशन के बारे में बताया जाए। वैसे आपको ये एप्लीकेशन ऑलरेडी पता था लेकिन फ्री में कैसे यूज करना है ये मैंने आपको फुल स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। आपका भी फर्ज बनता है इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मैं मिलता हूं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।